सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि पता होगा आप लोग और पूरी इंडिया वाले को पता है कि फ्री फायर जो है बैन हो चुका है। लेकिन गाइस, आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जो फ्री फायर है फिर से अनबैन होने वाला है, फिर से नॉर्मल होगा। उसके बाद आप लोगों को एप्पल के ऐप स्टोर, उसके बाद प्ले स्टोर के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गाइस ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, मतलब कुछ अपडेट दिया है, जिसको देख के आप लोगों को पता चल जाएगा। और उसी अपडेट को आप लोगों को दिखाने वाला, उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसा प्रूफ दिखाने वाला जिसके बाद आप लोगों को भी यकीन होने वाला है कि जो फ्री फायर है फिर से अनबैन हो जाएगा, मतलब एक बार परमानेंटली बैन नहीं हुआ। और गाइस, इसके बाद कुछ गेम का अपडेट भी देने वालों, जैसे पर नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर कौन सा वेपन आएगा, उसके साथ साथ आप लोगों को बताने वाले जो हमारे ईवो फार्मस, ईवो फार्मस कब तक आएगा, न्यू फेडवेल कौन सा आने वाला है, हर एक चीज आप लोगों को बताने वालों आज इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इस वीडियो शुरू करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो या फिर नए हो, तो ज्यादा कुछ नहीं बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा के ऑल पे भी सेट करके रखना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फ्री फायर अनबैन को लेकर। तो गाइस, फ्री फायर अनबैन होने वाला है, ये तो पक्का न्यूज है, कंफर्म न्यूज है। आप लोग भी पता है, मुझे भी पता है कि फ्री फायर जो अनबैन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही पॉपुलर गेम है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर। मतलब सबसे ज्यादा गेम चलने वाला गेम हमारा फ्री फायर। और गाइस, जब से पर इंडियन सर्वर के अंदर फ्री फायर बैन हुआ है, बैन होने के बाद फ्री फायर का $16 मिलियन का नुकसान हो चुका है। मतलब ये तो मैंने कम बताया, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। हमारा जो गैना है, गैना इतना बेवकूफ है नहीं कि इतनी बड़ी सर्वर को ऐसे आसानी से हाथ से जाने देगा। और क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पूरे सर्वर में, मतलब जितने भी सर्वर है गैना का, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर से। तो गैना इतना बेवकूफ है नहीं कि इतनी बड़ी सर्वर को आसानी से जाने देगा। और गाइस, इसलिए हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट का जितने भी रूल रहेगा हमारे फ्री फायर को लेकर, वो सारे रूल मान के फिर से रिटर्न आएगा, 100% कंफर्म है। और इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो गाइस बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। अगर कुछ उल्टा पुल्टा कुछ, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो गाइस इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे को जैसा लग रहा है। और फ्री फायर अनबैन होगा, उसका कंफर्म के लिए आप लोगों को एक आर्टिकल दिखा दो जो कि आप लोग देख सकते हो। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को मैं मतलब बताता हूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इसमें बताया कि जो फ्री फायर है टेम्परेली ब्लॉक करके रखा है, मतलब यहाँ पर जो फ्री फायर है अभी मैंने परमानेंटली बैन नहीं हुआ है, ये टेम्परेली ब्लॉक करके रखा है। और यहाँ पर जो हमारा गैना का जो भी प्रॉब्लम हुआ है हमारा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद फिर से रिटर्न आएगा। ओके, मतलब ऐसा ही कुछ अपडेट मिला है। और गैना की तरफ से कुछ ऐसा ही अपडेट मिला है कि जो मतलब प्रॉब्लम हुआ है बहुत ही जल्द सॉल्व होने वाला है। और इसका रीजन अभी तक खुल के नहीं बताया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन गैना उसका अपडेट दिया कि बहुत ही जल्द गेम वापस आने वाला है। और गाइस, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दोस्त है आपका, उन सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। ओके, तो बस अभी बात करते हैं गेम का कुछ इवेंट के बारे में। जैसे बात करने वाले सबसे पहले कि फ्री फायर का नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर कौन सा वेपन आने वाला है, तो गाइस इसके बारे में अभी तक 100% कंफर्म अपडेट नहीं मिला। लेकिन गाइस, 100 में से यहाँ पर 70% चांस है कि आप लोगों या जो वेपन रॉयल दिखाने वाला वो आ सकता है, जो कि आप लोग देख सकते हो ये वाला वेपन रॉयल जो आने वाला है नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर। और गाइस, वेपन का नाम है MAC-10, जो कि आप लोग देख सकते हो। और इसके एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इसमें आप लोगों को रेंज डबल प्लस देखने को मिलने वाला है, उसके बाद एक्यूरेसी सिंगल प्लस देखने को मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस देखने को मिलने वाला है। ओके, बेसिकली आप लोग बताएंगे आप लोगों के जो MAC-10 का स्किन है आप लोगों को कैसा लगा, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिल सकता है, उतना भी ज्यादा चांस नहीं, लेकिन गाइस आ सकता है। ओके, तो गाइस भी बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट फेडुअल इवेंट के बारे में, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो उसी की पोस्टर, जो कि आप लोग को 19 फरवरी को देखने को मिलने वाली, यानी 19 फरवरी को। उसमें आप लोग ईवो फार्मस की स्किन देखने को मिलने वाला, जो कि देख ही सकते हो काफी ओपी वाला स्किन है। और इसके इमोट तो काफी ज्यादा खतरनाक वाला इमोट है, जो कि आप लोग बताने कि आप लोगों को कैसा लगता है ईवो फार्मस की स्किन। और ये आप लोगों को 19 फरवरी को देखने को मिलेगा। और ये जो ईवो फार्मस का फेडुअल इवेंट है, ये आप लोगों को 20 मार्च तक देखने को मिलने वाला। ओके, वैसे आप लोग बताने का आप लोग इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड। ओके, और गाइस इसके बाद आप लोगों की इंपॉर्टेंट बात बताना है कि हमारा जो फ्री फायर है रिसेंटली बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी फ्री फायर मैक्स अवेलेबल है प्ले स्टोर के अंदर, आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसी से हम लोग गेम खेलेंगे। और आप लोग अगर फ्री फायर को ही डाउनलोड करना चाहते हो, आप लोगों ने अगर डिलीट कर दिया तो डाउनलोड करना चाहते हो, आप लोगों को पता नहीं कि कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, तो बस मुझे कमेंट पे बता देना, तो बस उसके बाद आप लोगों में बता दूंगी कि कहां से आप लोगों को फ्री फायर का डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो बस वैसे आप लोग बताऊँ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलता है एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।